हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। बच्चों लोग, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जो कि होने वाला है आपका लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर में से आपके पिछले बीते सालों में आपके जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। और इन सभी क्वेश्चंस को MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है? शोभित निर्वाण को जाता है। तो आप उनके चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, ऊपर जो है आपके जो आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन आपके जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था अपनी साइट पर, ये सारे वो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चन के बारे में देखना है और ये पता करना है कि इसके अंदर क्या होने चाहिए, ये क्वेश्चन क्या है, तो इस पे मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरे अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि है आपका, हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन CO2 एंड नाइट्रोजन टू मेक देयर फूड। यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो CO2 और N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, जो कि उनको चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए, कैसे मिलती है उनको? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका, CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। CO2 जो होती है वो उसको प्लांट्स को एनवायरनमेंट से मिल जाती है, और नाइट्रोजन कैसे उनको से मिल जाती है? सॉइल से और एनवायरनमेंट दोनों से, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर्स इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय द स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पील वॉज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज ग्रीन ड्यू टू। तो आपको पहले देखना है कि आपको ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो कि स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया सेल्स में, व्हेन अ लीफ पील वाज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्या एक लीफ पील देखी गई माइक्रोस्कोप में, तो व्हाट इज ग्रीन ड्यू टू, ये जो ग्रीन है वो किस वजह से है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, या फिर क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, या फिर ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊपर आने वाले ऑप्शन ABC तीनों ही आपके करेक्ट हैं, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आपका, व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ जाइलम इज रिमूव। अगर प्लांट में से जाइलम ही रिमूव हो जाए तो प्लांट का क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर विल नॉट टेक प्लेस, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल विल नॉट टेक प्लेस, या फिर सी में आपको दिया गया बोथ A and B करेक्ट, और डी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पर आपका बहुत इजी सा आंसर है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ AB, क्योंकि वाटर और मिनरल दोनों ही चीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका, नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, ठीक है। आपको उस टिश्यू का नाम बताना है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट में। आपके ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, जाइलम पेरेन्काइमा, या फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम, ठीक है। ये जो है सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? आपका फूड बनता है, और फूड को ट्रांसपोर्ट हमेशा फ्लोएम ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको मैचिंग दी गई है, ठीक है ना, आपको यहाँ मैच करना है ABCD को 1, 2, 3, 4 से, ठीक है। आपका ऑप्शन ए में दिया गया है ब्लड वेसल्स, बी है आपका ब्लड प्लेटलेट्स, सी लिम्फ, डी हार्ट, और आप 1, 2, 3, 4 में देख सकते हैं। 1 में आपको लिखा गया है हेल्प टू सर्कुलेट ब्लड इन होल बॉडी एंड एक्ट एज अ पंप, ये आपका इन ABCD में किसका आंसर है, ठीक है। तो आपको ऐसी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में आपको पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए में दिया गया है, यानी कि आपका जो ए है ब्लड वेसल्स, इसका जो मैचिंग होगी वो हो जाएगी ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, ठीक है। आपका बी में दिया गया है ब्लड प्लेटलेट्स, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? 3, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ब्लड को क्लॉट करती हैं। सी है आपका लिम्फ, लिम्फ क्या करती है? आपका कैरीज डाइजेस्टेड फैट, ठीक है, डाइजेस्टेड फैट को कैरी करती है। और डी आपका जो है वो आपका मिल जाएगा ऑप्शन 1 से, क्योंकि क्या करता है? हेल्प टू सर्कुलेट ब्लड, ब्लड को सर्कुलेट करने में ब्लड करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो दैट CO2 इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के दौरान क्या है? ये दिखाया गया कि जो CO2 है वो
बाहर जाती है रेस्पिरेशन के दौरान। तो नेम द सब्सटेंस टेकन इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब, तो आपको उस सब्सटेंस का नाम बताना जो कि टेस्ट ट्यूब में लिया गया इन कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं NaOH, HCl, KOH या फिर BaCl2। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं स्मॉल टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इस प्रोसेस को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपका विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, कौन जो है ब्लड को ले जाता है फ्रॉम द अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाता है अलग अलग ऑर्गेन्स तक। आपको ऑप्शन दिए गए हैं वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टरीज, ठीक है। आर्टरी क्या करती है, ब्लड से हार्ट को, सॉरी हार्ट से ब्लड को अलग अलग ऑर्गेन्स तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, कौन जो है कलेक्ट करता है ब्लड को ऑर्गेन से और दोबारा वापस ले आता है हार्ट तक। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेन्स, ठीक है। बच्चों लोग, अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैप्टर पे मेरी बनी हुई डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका अंदर क्यों, ये क्यों होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने इस चैप्टर पे टॉपिक वाइज मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है आपका डैश आर द स्मॉलेस्ट वेजल्स विच हैव वॉल्स, कौन सबसे छोटी वेजल होती है जिसमें क्या वॉल्स होती हैं। थ्रू दिस वॉल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस, जिसको वॉल से क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं ना ब्लड और सराउंडिंग सेल के, वो एक्सचेंज होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन दिए गए हैं कैपिलरीज, ब्लड वेजल्स, वेन्स या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है, साइट ऑफ एक्सचेंज होती है बहुत सारे मटेरियल्स की, खासतौर पर गैसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन को नहीं पता है, इसके लिए आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आप मेरी इस चैप्टर पर बनी हुई डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि एरोबिक क्या होती है और एनएरोबिक क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 1, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस, 2, है इट कैन बी फाउंड इन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, 3, गैसेज आर नॉट एक्सचेंज इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, 4, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पर आपको चूज करना है इन ABCD में से, ए का मतलब है कि 1, 2, 3 ठीक है, बी का मतलब है कि 1, 2 और 4 स्टेटमेंट ठीक है, सी का मतलब है कि ओनली 3 स्टेटमेंट ठीक है, या फिर डी का मतलब 1, 2, 3, 4 सभी स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी मतलब 1, 2 और 4 वाली स्टेटमेंट इसमें से आपकी करेक्ट है, बाकी 3rd वाली रॉन्ग है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका विच जूस इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, इनमें से कौन सा जूस पेनक्रियाज सिक्रेट करता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं बाइल जूस, इंटेस्टिनल जूस, पेनक्रियाटिक जूस या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें क्या ग्लैंड होता है विच सिक्रेट, जो क्या सिक्रेट करता है, कौन सा जूस सिक्रेट करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं इंटेस्टिनल जूस, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस या फिर नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब ग्लैंड इंटेस्टाइन में है तो जो जूस रिलीज करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, इंटेस्टिनल जूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है व्हाट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इनमें से ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल, बोथ ए बी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्लाज्मा भी और ब्लड सेल्स भी दोनों कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी, आपको यहाँ पे करेक्ट मूवमेंट आपको बतानी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमारी बॉडी में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ABCD में आपको दिखाया गया है, डी यहाँ पर ऑप्शन ये है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी, डी में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पल्मोनरी वेन आती है, वो ले जाती है लेफ्ट एट्रियम तक, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाती है ब्लड, फिर सिस्टमेटिक एरोटा, फिर उसके बाद में ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्लड, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आएगा प्लस टाइप हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट सीक्वेंस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस टॉपिक का, देखते हैं।
डैश आर थिक वॉल्ड वेरस डैश आर थिन वॉल्ड। आपको बताना है कि कौन मोटी वॉल का होता है, कौन पतली वॉल का होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं वेन आर्टरी, कैपिलरी वेन, आर्टरीज वेन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका करना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी थिक वॉल्ड होती हैं और जो आपकी वेन्स होती हैं वो आपकी थिन वॉल्ड आपकी होती हैं। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।